टर्म के बारे में कभी ना कभी जरूर सुना होगा, वो टर्म है नेटवर्क मार्केटिंग। और आज हम हमारी वीडियो में उसी टर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी जानते होंगे कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को अपने करियर में अपनाकर अपने वो सारे ड्रीम्स पूरे किए जो कि एक नौकरी पेशा इंसान कभी भी नहीं कर सकता। नेटवर्क मार्केटिंग में हार्डली 3 से 5 साल के अंदर लोग अपने ड्रीम्स को अकम्प्लिश करते हैं, वो भी बिना अपना दिमाग चलाए। नेटवर्क मार्केटिंग का उसूल यही है कि यहाँ आपको अपना दिमाग बिल्कुल नहीं चलाना। जो लोग खुद को बहुत ज्यादा समझदार समझते हैं, बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी होते हैं, वो लोग कभी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो पाते। लोग अपना दिमाग बिना चलाए यहाँ पे करोड़पति बनते हैं, और जो लोग बहुत ज्यादा समझदार होते हैं वो अपना दिमाग चलाते हैं और पूरी जिंदगी एक नौकरी में बिता देते हैं और अपनी समझदारी को कभी नहीं छोड़ते। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जरा अपनी समझदारी को एक किनारे रख के गवर्नमेंट और बड़े बड़े बिजनेसमैन आपको क्या समझाना चाहते हैं, वो क्या कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, उसको समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनको हम सभी जानते हैं, ये कहते थे नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st century विच मस्ट बी ज्वाइंड बाय एवरी यंग मैन एंड वुमेन ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। FICCI और KPMG के अकॉर्डिंग द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी INR billion एंड फॉर्म्स ओनली अराउंड 0.4% ऑफ टोटल रिटेल सेल्स। And this industry has a potential to reach the size of 645 billion INRs by 2025. Bill Gates, everyone of us knows about him. He is the owner of Microsoft, and what he said, if I would be given a chance to start all over again, then he would choose to start network marketing. Les Brown, he is a great speaker, aur inhone kaha hai network marketing has produced more millionaires than any other industry in the history of the world. Bade bade businessman aur governors ke itte bade bade statements sunne ke baad bhi 1947 ki soch rakhne wale wo kuch buddhijeev, kuch samajhdar log ya kahe to gyani log network marketing ko chain banane wala kaam या फिर बंदे फंसाने वाला काम समझने लगते हैं। तो ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया 1947 की सोच को पीछे छोड़कर 21 सेंचुरी में प्लीज कदम रखिए, वरना वही हाल होगा जो HMT वॉचेस, नोकिया मोबाइल और एम्बेसडर कार्स का हुआ। नोकिया मोबाइल्स ने एंड्रॉयड टेक्नोलॉजीज को एक्सेप्ट नहीं किया और मार्केट से वैनिश होता चला गया, लेकिन जब तक उसने सोचा तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। लेकिन अभी रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कि नोकिया मोबाइल वापस आया है, वो भी एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी के साथ। तो इससे बेस्ट एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता कि आपके पास अभी भी टाइम है, देर नहीं हुई है, 21st century में जल्दी से कदम रख दीजिए। एंड गाइस, दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज जैसे दुबई, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर नेटवर्क मार्केटिंग के स्पेशल डिग्री कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। पिछले 4 सालों से इंडिया के कर्नाटका में भी डिग्री कोर्स चल रहा है और रिसेंटली पिछले 1 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी के बिजनेस MBA में एक न्यू सेमेस्टर ऐड किया गया है जो कि टोटली बेस्ड है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। और अभी के कुछ नादान और इन सब से अनजान लोग जो खुद को बहुत ज्यादा समझदार समझते हैं, हालांकि वो है नहीं, वो बिजनेस को कुछ ऐसे टर्म्स में डिफाइन करते हैं जैसे कि मेंबर बनाने वाला, स्कीम बनाने वाला सिस्टम या फिर एक चेन सिस्टम, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। वो लोग अभी भी उस रूढ़ीवादी सोच से बाहर नहीं निकल पाए हैं जो 1947 की सोच थी। अगर आप ऐसी सोच रख रहे हैं तो आप इस सिस्टम को यही समझेंगे जैसा कि ये है नहीं। आप में से ही कुछ के बच्चे जब फ्यूचर में नेटवर्क मार्केटिंग की डिग्रीज लेकर पास आउट होंगे और वो भी कुछ ऐसा ही करियर मेंटेन करना चाहेंगे कि बहुत कम टाइम में उनके भी ड्रीम्स फुलफिल हो सके, कुछ 3 से 5 साल के बीच में, लेकिन आपकी सोच अगर 1947 वाली है और अभी तक बनी हुई है तो आपको उसको चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसके चलते जो एक जनरेशन गैप आएगा आपके और आपके बच्चों के बीच में, उसको आप आसानी से फिल नहीं कर पाएंगे और इसीलिए आपको जरूरत है अपनी सोच को बदलने की। आपको नेटवर्क मार्केटिंग को समझना होगा कि एग्जैक्टली बिजनेस है क्या, यहाँ पे काम किस तरीके से होता है। आपकी जो सोच आज बनी है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कि एक चेन सिस्टम है,
या फिर इसमें बंदे फंसाने होते हैं, या फिर आपको बहुत सारे लोगों से जाके मिलना होता है, ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम नहीं कहेंगे कि आपकी सोच गलत है या ये एक दिन में सोच बनी है, ये बहुत सालों का प्रोसीजर होता है जो हमने लोगों से सुना या देखा होता है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज हमारे पास्ट में आए होंगे जो पैसे लेके भाग गए होंगे या फिर कुछ फ्रॉड निकले होंगे, लेकिन सभी कंपनीज तो एक जैसी नहीं है, जैसे हमारे उंगलियां एक जैसी नहीं है। हमारी उंगलियां अलग अलग है, सबका साइज अलग है, सबका काम अलग है। उसी के हिसाब से बहुत सारी कंपनीज मार्केट में है जो बहुत सालों से चल रही है, जो ट्रस्टवर्दी हैं। आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले पूरी छानबीन जरूर कीजिएगा। ये आप ही की गलती होती है जब आप पूरी इन्वेस्टिगेशन करें बिना अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। हमारा इंडिया अमेरिका से काफी पीछे है, लगभग कुछ 50 साल। वो क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर 0.7% ही लोग कुछ इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, जबकि अमेरिका में 40-50% लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। और कारण सिर्फ एक है इसका, आपकी 1947 की पुरानी सोच, जिसमें ना ही आप बदलावों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ना ही अपनी आप लाइफ के अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं। तो जरूरत है आपको अपनी सोच को बदलने की, ओपन माइंडेड होकर नेटवर्क मार्केटिंग को सीखने की। और अगर आप चाहते हैं उम्मीद से ज्यादा पैसा कमाना, या आप चाहते हैं कि अपने वो सारे ड्रीम्स को पूरा करना, तो हम इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स आपके लिए खड़े हैं, हाथ से हाथ मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में आप स्टेबल हो सकते हैं विद इन 3-5 ईयर्स ओनली। बस डिसाइड आपको करना है कि आपको पैसा कितना चाहिए और किस लिए चाहिए, क्योंकि बदलते वक्त के साथ जो लोग खुद को बदल लेते हैं, सक्सेस उनके ही कदमों में होती है। सो चेंज योर थॉट्स एंड चेंज योर लाइफ, बिकॉज आवर लाइफ इज वॉट आवर थॉट्स मेक इट। सो ड्रीम बिग एंड बिलीव इन योर ड्रीम्स टू। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट लिख के दे सकते हैं, और आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पर, और आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस आपके लिए वेट कर रही हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका कोई अपना अपने ड्रीम्स को चेज करने के लिए सही ट्रैक की वेट कर रहा हो, और वो एक शेयर आपका उनके लिए वो सही टाइम और ट्रैक हो सकता है। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय फॉर नाउ।